बिग बॉस 16 में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार नाम सामने आ रहा है फहमान और सैम्बुल का। लेकिन फहमान और सैम्बुल का नाम सामने आने के बावजूद फैंस क्यों नहीं चाहते कि ये दोनों पॉपुलर कपल, रियल लाइफ कपल एक साथ शो पर नजर आए, जबकि फैंस को तो खुश होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि फैंस नहीं चाहते कि सैम्बुल और फहमान एक साथ शो पर आए, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि इमली स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शो है। टीआरपी लिस्ट में ये शो हमेशा टॉप 10 में बना रहता है। और जो सबसे खास बात है कि जोड़ीज की अगर मैं बात करूं, हाल ही में स्टार परिवार अवार्ड्स हुए थे तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट लव्ड जोड़ी का खिताब भी मिला था आयरली फैंस को। जी हाँ, सो आयरली फैंस जो है वो चाहते हैं कि भाई हमारी इमली के जो दो लीड एक्टर्स हैं वो एक दूसरे से दूर ना जाएं। भाई लेकिन दूर अगर जा भी रहे हैं तो वो शो से दूर जा रहे हैं ना। अल्टीमेटली आपको दोनों साथ में नजर आने ही वाले हैं बिग बॉस के अंदर। बट मैं आपको बता दूं कि सोर्सेस कहते हैं कि बिग बॉस 16 के जो कंटेस्टेंट्स की लाइनअप है उसमें सबसे ज्यादा टॉप पर जो दो नाम है वो है ऑफकोर्स फहमान खान, क्योंकि फहमान को कंफर्म्ड माना जा रहा है। उन्होंने हाल ही में बिग बॉस के मेकर्स के साथ एक फाइनल मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने यू नो सैलरी वैलरी पर डिस्कशन हुआ कि आखिर क्या अमाउंट उन्हें मिलेगा और किस अमाउंट पर मामला जो है वो फिट हुआ। फिर इमली की भी यानी कि सैम्बुल की भी फाइनल कंफर्मेशन हुई, मेकर्स के साथ उनकी फाइनल मीटिंग हुई जिसकी तस्वीरें भी आउट हुई थी बाहर सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कंफर्मेशन आ चुका है कि शायद ये दोनों ही नजर आने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर फैंस जो है इस बात से खुश नहीं है। जी हाँ, सोर्सेस कहते हैं द मेकर्स डोंट वॉन्ट देम टू पार्टिसिपेट इन द शो बिकॉज द ऑडियंस डजंट वॉन्ट। जी हाँ, दे फील दैट सैम्बुल एंड फहमान डोंट नीड सच अ शो, they are already enjoying amazing popularity, and secondly they feel Sambul and Fehman should stay away from such controversial reality show. You know, kahin na kahin कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के शो में आप जाएं जहां पर अच्छी खासी पॉपुलैरिटी, अच्छा खासा यू नो टीआरपी में लिस्टेड शो आपके पास है, जहां पर आप इतनी सक्सेस आपको मिल रही है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, यू नो जनता का प्यार मिल रहा है आरएली फैंस को, फिर ये सब छोड़कर आपको क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल शो में जाना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बैंड बजाई जाती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज होती हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यू नो नेगेटिव हाईलाइट आपको शो पर ज्यादा मिलता है। सो मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं एक डीमेरिट जो है फैंस को लग रहा है कि अगर आप उस शो पर जाएंगे तो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, और प्लस हम आपको इमली शो पर काफी मिस करने वाले हैं, यानी सैम्बुल और फहमान की जो जोड़ी है, रियल लाइफ जोड़ी, स्क्रीन पर जो जोड़ी है वो हम काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं, आयरली की जो जोड़ी है वो मिस करने वाले हैं, और इसीलिए फैंस नहीं चाहते। अब ये तो फैंस की बात हो गई, आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन बताइए कि क्या आपकी भी यही राय है।